हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी स्मार्ट वॉच को फिटप्रो ऐप से कनेक्ट करोगे। तो गाइस, कोई भी स्मार्ट वॉच आप फिटप्रो ऐप से कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप आईफोन में कैसे कनेक्ट करोगे। मैंने एंड्रॉयड की भी वीडियो बनाएंगे, प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करना। तो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ मैंने ऐप स्टोर से फिटप्रो ऐप इंस्टॉल कर लिया था, तो बस आपको ऐप स्टोर में जाना है और यहाँ सर्च करना है फिटप्रो ऐप के लिए। तो ये देखिए, यहाँ फिटप्रो ऐप आ जाएगा, तो आपको उसको बस इंस्टॉल कर लेना है फिटप्रो ऐप को। तो फिटप्रो ऐप को मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कनेक्ट कैसे करना है स्मार्ट वॉच से। तो आपको फिटप्रो ऐप से कनेक्ट करने के लिए आईफोन में ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। आईफोन में लोकेशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आईफोन में लोकेशन ऑलरेडी ऑन ही होती है, आईफोन में लोकेशन बननी होती। तो अब आपको फिटप्रो को ओपन करना है। तो फिटप्रो ऐप का इंटरफेस कुछ आपको ऐसा देखने मिलेगा, अभी लोड हो रहा है। तो आपको होम पेज ऐसा देखने मिलेगा। मैंने स्टेप्स नहीं लिए थे वॉच को पहन के, इसलिए स्टेप्स लोड नहीं हुए हैं। सेटिंग में आप जाओगे तो वॉच कनेक्ट हो चुकी है, क्योंकि मैंने सीख, तो आप देख सकते हो कि अब फिटप्रो ऐप कनेक्ट हो चुका है वॉच से। तो फिटप्रो ऐप को अगर कनेक्ट ना हो तो आपको ब्लूटूथ में जाना है, और ब्लूटूथ से आपको बस वॉच 7 या T55 वॉच है, जो भी आपकी वॉच का नाम है, उस पर क्लिक, फिटप्रो ऐप से वॉच कनेक्ट हो जाती है। तो अब मैं आपको चेक करना है कि वॉच कनेक्ट हुई कि नहीं, तो आपको वॉच को फाइंड करना पड़ता है। तो वॉच फाइंड हो चुकी है, इसका मतलब वॉच पूरी तरीके से कनेक्टेड है। तो आप मैसेजेस में जाओगे ऊपर, तो अगर आपको कोई भी ऐप का मैसेज चाहिए तो आप वो ले सकते हो। सपोज आपको इंस्टाग्राम का मैसेज चाहिए, तो आप फ़ोन में जो भी इंस्टाग्राम का मैसेज आएगा वो आप वॉच में सेंड कर सकते हो। डू नॉट डिस्टर्ब मोड आप एक्टिवेट कर सकते हो वॉच में, अलार्म एक्टिवेट कर सकते हो, सेटिंग मोड एक्टिवेट कर सकते हो, रिमोट शटर, इसमें अगर आपको कोई फ़ोटो लेनी है तो आप बस वॉच पे क्लिक करना, तो आप देखोगे तो फोटो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, तो फोटो गैलरी में सेव हो जाती है। और आप ये फीचर से अपनी वॉच का बटन बिना हाथ लगाए वॉच का डिस्प्ले ऑन कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, राइज टू वेक अप डिस्प्ले में आपको बस वॉच को ऊपर लेना पड़ता है, तो वॉच का बिना बटन हाथ लगाए वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाता है। ये भी फीचर काफ़ी अमेजिंग है। फिर कॉमन कॉन्टैक्ट्स में आप देखोगे तो आप कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो वॉच में, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और आपको डायल सेटिंग्स मिलती है। डायल सेटिंग्स के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि आपको नेट या तो वाईफाई ऑन रखना पड़ेगा, तो ही डायल सेटिंग्स खुलेगी। तो मैं डायल सेटिंग्स को खोल देता हूँ, तो आप देखोगे तो डायल सेटिंग्स को लोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो डायल सेटिंग्स लोड हो चुकी है, तो डायल सेटिंग्स ऑनलाइन लोड होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप इसमें से कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हो। सपोज अगर मेरे को ये वाला वॉलपेपर अच्छा लगा तो मैं ये वाला सेट कर सकता हूँ। और रिप्लेस अगर मैं क्लिक करूँगा तो गैलरी खुल जाएगी, गैलरी से आप फोटो लगा सकते हो। तो मैं रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ, तो मैंने रिप्लेस पर क्लिक कर दिया है, और आप देखोगे तो गैलरी से मैंने ये वाली फ़ोटो ली है। इसको मैं डन करूँगा, और आप क्लॉक चेंज कर सकते हो आपको कहाँ भी रखनी है। तो मैं इसको यहीं रखूँगा और इसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपको जब अपलोडिंग स्टार्ट होगी तो एक बात का ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी बात है, कि जब अपलोड होगा तो आपको वॉच को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बटन नहीं दबाना है। क्योंकि अगर अपलोडिंग के टाइम आपने वॉच का बटन दबा और वॉच ऑफ होगी तो वॉच का सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब वॉलपेपर अपलोड हो तो बिल्कुल भी आपको वॉच को छेड़ना नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों के वॉच के सॉफ्टवेयर करप्ट हो गए जब वॉलपेपर अपलोड हो रहा था। तो आप देख सकते हो कि अभी ये फोटो अपलोड हो चुकी है, अब वॉच रिस्टार्ट होगी और यहाँ फोटो आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कि फोटो आ चुकी है। तो आप कस्टम वॉलपेपर भी डाल सकते हो, और आप चाहो तो ऐप में से भी आप कुछ डाल सकते हो। जैसे कि ऐप से अगर मैं यही फोटो ले लूँगा, तो अब मैं इसको डन पे क्लिक कर दूंगा, तो अब यही फोटो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये वाली फोटो अपलोड हो चुकी है। तो आप कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हो इजीली डायल सेटिंग से, रिमूव कर सकते हो डिवाइस को, या डिवाइस को ऐप के थ्रू ही रीसेट कर सकते हो, जिससे कि
जो वॉच है खुद ही रीसेट हो जाएगी। रिमूव करोगे तो वॉच डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अदर सेटिंग्स में वॉच की वाइब्रेशन की सेटिंग्स आप ऑन कर सकते हो फिट प्रो ऐप के थ्रू। और आप OTA अपग्रेड पे भी क्लिक करोगे तो ये अपग्रेड होता है जो कि आप अपनी वॉच में करा सकते हो, पर ये लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेड है इसलिए ये अपग्रेड नहीं होगा। तो आपको यहाँ स्टेप्स का ऑप्शन मिलता है कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हो, और जैसे आप स्टार्ट करोगे तो इसमें मैप खुल जाएगा और मैप में आपके स्टेप्स आएंगे कि आप वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो या राइडिंग कर रहे हो। ये आपको फिटप्रो ऐप की प्रोफाइल दिखेगी। तो गाइज ये थे पूरे फीचर फिटप्रो ऐप के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।